मथुरा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। मथुरा में 2 कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हो जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जमात से आए नादिम की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं आगरा के मंटोला से आई एक महिला सहाना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मथुरा में 2 कोरोना के मामले की पुष्टि हो जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं आम जनमानस में भी दहशत हो गई है। सीएमओ शेर सिंह का कहना है कि मथुरा में कोरोना के 2 केस सामने आए हैं। उनका कहना है कि एक युवक नादिम जमात से लौटकर आया था, वहीं एक आगरा की महिला में भी कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। इन दोनों का उपचार किया जा रहा है, इन दोनों को आइसोलेशन में रखा गया है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। दो लोगों में कोरोना पॉजिटिव के मामले की संज्ञान आ रहा है, क्या है पूरा मामला और कहां से आए थे, क्या है केस हिस्ट्री? देखिए, 2 केस जो पॉजिटिव आए हैं, एक तो नदीम का है जो शामली के रहने वाले हैं, जो जमात में 18-19 की रात को दिल्ली में थी, और दूसरा सुहाना जो थाना मंटोला 22/69 थाना मंटोला की रहने वाली हैं, जो 26 तारीख से ये पारस हॉस्पिटल में एडमिट थी आगरा में, वहाँ से 3 तारीख में ये वहाँ से आई और 4 यहाँ पर नैती हॉस्पिटल में एडमिट है, आज भी एडमिट है, और 4 में इनका सैंपल गया और वो पॉजिटिव आया। इधर इन नदीम का, इसका भी पॉजिटिव आया है, दोनों ही पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन नदीम को कोई सिम्टम नहीं है, ये सिम्टोमेटिक है, जैसे खांसी छींक या गले में कोई तकलीफ इस तरह का कोई नहीं है। 23 वर्ष का लड़का है। नदीम होम क्वारंटाइन था? जी, नदीम को होम क्वारंटाइन रखा गया था। जी, नदीम को होम क्वारंटाइन, ये नदीम यहाँ पर जब आए हैं, ये 3 तारीख में आए, 3 की इनकी 3 अप्रैल को, 3 को ही इनका सैंपल हुआ है। उससे पहले ये ओल की जो ओल है वहाँ मस्जिद में थे। और कितने लोग थे नदीम? ये 30 लोग थे, 30 में 29 नेगेटिव हैं, ये एक पॉजिटिव है। बाकी लोगों को या पहचान की जा रही है किसके साथ में? नहीं नहीं, बाकी लोग जितने भी हैं उनका सैंपल तो सबका हुआ था, और इनका पॉजिटिव है, बाद बाकी का नेगेटिव है, और सिम्टोमेटिक कोई भी नहीं है उनमें से, ना ये ना वो। नहीं नहीं, वो तो एज पर प्रोटोकॉल उसका इलाज चल रहा है, और वो बाद बाकी जो हमने अपने फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखे हुए हैं वो हैं। क्या आप ये पता कराने को नदीम किस किस के और संपर्क में आया है? वो सब अब ये प्रक्रिया है, वो पूरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग और कोरोना वायरस को रोकने के लिए और क्या नए कदम उठा रहा है जिससे कि पूरी सैंपलिंग है, इससे पता चलता है। अब जैसे कि यही है, ए सिम्टोमेटिक है, इनमें कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन ये उस वहाँ पर शामिल हुए जो दिल्ली में, उसकी वजह से ये सस्पेक्ट काउंट किए गए, क्योंकि वहाँ कई केस पॉजिटिव मिले थे, इसीलिए इन सब का सैंपल किया गया और सैंपल में ये पॉजिटिव। अभी तक कितने लोगों को टेस्ट करा चुके हैं जिला? अब अभी तक हमने 64 का भेजा था, जिसमें से 62 का रिजल्ट आ गया है, अभी 2 बाकी हैं। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग में दवाओं की कमी है, जिला अस्पताल कुछ भी कमी नहीं है। अब आप जो ना, अब अलग अलग मैं ये पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मुस्लिम समाज के नहीं, बाकी सभी समाज के लोगों को बुलाया गया था, जो सम्रांत लोग हैं। जैसे आपको पता है कि मथुरा जनपद में भी एक व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव मिला है, उनकी ट्रेवलिस थी यहाँ पर जो अंधिकुया मस्जिद सुभाष नगर में रही है, और तो एहतियात के तौर पर इस एरिया को भी पूरा लॉकडाउन किया जा रहा है। पूरा जो 1 किलोमीटर रेडियस का एरिया है उसको पूरी तरीके से सील किया जा रहा है, और जितना भी एंट्री और एग्जिट है उनको बंद किया जा रहा है। इसीलिए इन लोग, ताकि जो पूरा एरिया है उसमें एक मैसेज दिया जा सके इनके द्वारा कि अब जब इसको सील किया जा रहा है, तो जितने भी लोग हैं इस मोहल्ले में रहते हैं, इसके एक्टिव रहते हैं, उनसे निवेदन है कि वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, और जो प्रशासन की और मेडिकल की टीम आएगी उन्हें पूरी चीज़ें बताएँ, पूरा सहयोग दें और पूरी बातें सच बताएँ। आपको जिस भी तरह की किसी भी प्रॉब्लम होगी, यानी आपका जो राशन हो गया, खाने की चीज़ें हो गई, या अन्य जो भी मेडिकल चीज़ें हो गई, वो पुलिस और प्रशासन के द्वारा आपको पहुँचवाया जाएगा, इसलिए किसी तरीके से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.